एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चारकोल पील ऑफ मास्क, जिससे कि आपकी जो भी फेशियल हेयर्स होंगे या फिर अगर आपको ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, अगर आपकी फेस ज्यादा ऑयली रहती है तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप इसे पूरा देखें, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं अब यूज कर रही हूँ चारकोल मास्क क्रीम, जिसे मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया हुआ था और इसकी प्राइस है 160। आई नो ये चाइनीज है, पर इसे मैंने बहुत पहले ही परचेज किया हुआ था। अगर आप चाहो तो इसकी जगह पे गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल मास्क यूज कर सकते हो, और ये आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे इजली अवेलेबल मिल जाएगा। और इसकी प्राइस होगी 200 या 250 के अराउंड में, और ये एक पाउडर फॉर्म में भी आता है, अगर आप चाहो तो उसे भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने एक और ऑप्शन दिया है वाओ का एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क, जो कि हल्का सा एक्सपेंसिव आता है। तो अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, और ये हल्का थिक फॉर्म में आता है। आप जब भी अप्लाई किया करो, पहले अपने हैंड्स पे लेके फिर अपने फेस पे अप्लाई किया करो। अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप एक पैच टेस्ट जरूर कर लिया करना जब भी अप्लाई करना होगा। तो हम इसे कुछ इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। अगर आप इस मास्क को अपने पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप अपने सिर्फ नोज एरिया में अप्लाई कर सकते हो। और इस मास्क को लगाने से क्या होता है, इसका लाइव रिजल्ट मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको रिजल्ट पता चल जाए। और इसे लगाते टाइम आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको इसे अपने आईज एरिया में नहीं लगाना, क्योंकि आईज एरिया हमारी बहुत ही सेंसिटिव होती है, और अपने आईब्रोज से या फिर अपने हेयर से इसे दूर रखना है, क्योंकि उससे फिर पील अप करते टाइम आपके हेयर्स रिमूव हो सकते हैं या फिर आपकी आईब्रोज आ सकती है। और इस मास्क को लगाने से हमें व्हाइटनिंग इफेक्ट भी मिलता है, तो हम इसे 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे सूखने के लिए, और जो भी हमारे हाथ पे होगा उसे भी हम छोड़ देंगे सूखने के लिए। जब भी हम मास्क अप्लाई करेंगे तो हमें बिल्कुल बोलना नहीं रहता है, नहीं तो हम मास्क अप्लाई करने से हमारी स्किन टाइट हो जाती है और बोलने की वजह से हमारे फेस पे रिंकल्स पड़ जाएंगे, इसलिए हमें बोलना नहीं है। सो गाइस, हमारा मास्क सूख चुका है और बहुत ही अच्छी तरह से सूखा है। आप जब भी मास्क अप्लाई करो पहले चेक करो कि आपका मास्क सूखा है कि नहीं निकालने से पहले। अगर नहीं सूखा रहेगा तो आपके फेस से नहीं निकलेगा अच्छे से। तो हम इसे नीचे से निकालेंगे ताकि हमारे जो भी फेशियल हेयर्स रहेंगे वो हमारे मास्क के साथ साथ वो भी हमारे फेस से निकल जाए। तो हम ऐसे धीरे धीरे करते करते उसे पील करेंगे। सो गाइज, आप देख सकते हो हमारे फेस से कितना इजिली निकल गया। ये पेनफुल नहीं होता है, पर जिसे आदत नहीं होगी उससे हल्का सा लगेगा, जैसे चींटी काटती है ना वैसा लगता है। तो हमारा मास्क निकल गया, अब हम इसे नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेंगे। हमें कोई फेस वॉश नहीं यूज करना है। देन हम यूज करेंगे आइस क्यूब, जिससे हमारे जो भी पोर्स ओपन हो गए होंगे, आइस क्यूब लगाने से आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे। हम इसे अपने पूरे फेस में रब कर लेंगे अच्छे से। सो गाइज, ये रहा मेरा लाइव रिजल्ट। आप देख सकते हो मेरे फेस के जो भी फेशियल हेयर्स थे, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स थे, सब कुछ इस मास्क में आ गया, सब कुछ निकल गया है। आई नो ये थोड़ा सा वियर्ड है, पर आपको रिजल्ट दिखाना था इसलिए मुझे दिखाना पड़ रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो जरूर कमेंट करना। सो बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।